प्रति और वो उनके प्रति और जागरूक होना चाहते हैं, मोटिवेट होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज रोल प्ले एंड ड्रामा. जब हम स्टूडेंट को कुछ चीज़ नहीं समझा पाते हैं तो वो हम उनको एक वर्ड दे देते हैं कि आप उनको आओ प्ले करो, जिससे ये होता है कि बच्चे उनके प्रति जानते हैं कि हाँ वो वर्ड है, वो मुझे वो करना है, उनके प्रति वो उनका नॉलेज हो जाता है प्ले करने से, एक्ट करने से. ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ओके, नाउ आई प्रेजेंट इज ग्रुप डिस्कशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ट्रेनिंग. तो ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है, हम लोग बच्चे को इसलिए ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए. और मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे कुछ ट्रेनर ही बता दे, मतलब बच्चे भी आपस में डिस्कस करके कुछ प्रश्नों के समाधान, कुछ प्रश्नों के हल वो आपस में डिस्कस करके और क्लास में प्रेजेंट कर दे. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक क्लास का. जैसे कि हम लोग ट्रेनर्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं किसी चीज़ के बारे में कि आप इनके ऊपर पूर्ण रूप से तैयारी करके नेक्स्ट दूसरे दिन आना अपने क्लास में. तो वो क्या होता है कि बच्चे उस पर फोकस करते हैं और कभी कभी सारे बच्चे मिलके या पर्टिकुलर करके वो प्रोजेक्ट को तैयार करके नेक्स्ट डे प्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट morning all of you. I am stating my presentation is presentation by student. बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इस वजह से जब हम उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इससे